जयपुर में हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, दोनों हत्यारों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं हमारी संवाददाता कोनिका अरोड़ा की। उदयपुर में दो दिन पहले जो निर्मम हत्याकांड हुआ, कन्हैयालाल की हत्या के रोष में अब लोगों का प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है। हम इस वक्त टाउन हॉल से जो कलेक्ट्रेट की तरफ एक प्रदर्शन निकल रहा है, एक रैली निकल रही है, उसके बिल्कुल आगे मौजूद है। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि भारी पुलिस फोर्स है और ये कॉल दिया गया था हिंदू समाज की तरफ से, जिसमें तमाम समाज के लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और एक रैली निकाली जा रही है बाकायदा, एक तो उस हत्याकांड के विरोध में और दूसरा कल इनको एक जगन्नाथ यात्रा निकालनी है उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इस वक्त तमाम लोग जो है वो टाउन हॉल से चलते हुए अब आगे की तरफ बाजार के रास्ते से आगे दिल्ली गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद कलेक्ट्रेट की तरफ ये लोग जाएंगे, जहां पर इन लोगों की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और अपना जो रोष है वो व्यक्त किया जाएगा। तमाम जगह से लोग, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें कई दल परिषद इसके अलावा कांग्रेस सेना, साथ ही साथ बजरंग दल लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो लोग अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार लोग नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की मांग है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दी जाए और फांसी से कम तक ये लोग कोई भी इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि फिलहाल पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको कोर्ट में भी आज पेश किया जा सकता है, लेकिन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला आए, जल्द से जल्द कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दी जाए और उसके बाद ही ये लोग शांत होंगे। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जहां से ये पूरा रैली निकल रही है वहां वहां पर पुलिस की भी तैनाती है, चप्पे चप्पे पर। आज पुलिस सुबह से अलर्ट थी, हर जगह पर भारी पुलिस फोर्स पुलिस ने तैनात किया है, ताकि ये जो लोगों की रैली है ये शांतिपूर्वक तरीके से कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और उसके बाद पुलिस भी कुछ राहत की सांस ले। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज उदयपुर आने वाले हैं, कन्हैया लाल के परिवार से मिलेंगे, उनके परिवार को जो उचित सहायता होगी वो दी जाएगी। लेकिन उससे पहले फिलहाल अशोक गहलोत का जो आने का वक्त था उसको थोड़ा टाल दिया गया है, कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे, क्योंकि उससे पहले रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। तमाम लोग जो है उनसे बात करते हैं, क्या मांग के साथ आप लोग ये रैली क्या मांग? जुलूस मौन जुलूस है और यहाँ पे खून के बदले खून, मौत के बदले मौत, आतंकवाद देखो आतंकवाद की तरह मारेंगे भारत माता की। और भी जो लोग आगे हैं उनसे भी बात करते हैं, जो लोग इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये पूरी रैली अब इस वक्त दिल्ली गेट पहुंच चुकी है, दिल्ली गेट से आगे कलेक्ट्रेट की तरफ ये लोग जाएंगे और कलेक्ट्रेट पर जाकर इनकी तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा और इनका कहना है कि वो ज्ञापन देंगे, क्योंकि जो कन्हैया लाल के साथ हुआ, जिस तरीके से भीषण जो निर्मम हत्याकांड उनका हुआ, उसके बाद से लोगों में गुस्सा है। और अभी देखिए ये बैरिकेड जिस तरफ लगे हुए दिल्ली गेट से, लेफ्ट की तरफ जो है वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट की तरफ ही लेकर जा रही है। एक बार फिर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, उदयपुर से आ रही है तस्वीरें। जितने लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी सबसे बड़ी नाराजगी तो पुलिस प्रशासन से है। उनका कहना यह है कि अगर कन्हैया लाल की कंप्लेंट को, उनकी चिंता को, उन पर मंडरा रहे संकट को पुलिस ने गंभीरता से लिया होता तो शायद आज कन्हैया लाल जिंदा होता, उसकी इतनी निर्मम हत्या नहीं की गई होती। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ कन्हैया लाल के समर्थन में इस निर्मम हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस प्रशासन के लिए भी है। हालांकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सवाल बहुत जायज है, बार बार कंप्लेंट देने के बावजूद क्यों पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, क्यों इसे इग्नोर किया गया? बिल्कुल, और इसी की नाराजगी जाहिर करते हुए जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर की, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, नाराजगी है राजस्थान पुलिस से, नाराजगी है प्रशासन से, सवाल है उनके पास कि आखिर कन्हैया लाल जब अपनी जान को खतरा बता रहे थे तो फिर पुलिस ने वक्त रहते कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस पहले ही एक्टिव हो जाती, अगर पुलिस पहले सख्त हो जाती तो कन्हैया लाल की इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं होती। ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हवाला तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से दिया जा रहा है और शांतिपूर्वक ये इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। बताऊं
हेलो। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर प्रदर्शन अभी भी जारी है। हम इस वक्त कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद है। कलेक्ट्रेट में सर्व समाज की तरफ से आज जो रैली का आयोजन किया गया था, जो प्रदर्शन करने के लिए एक रैली टाउन हॉल से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली जा रही थी, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त तमाम लोग बड़ी संख्या में हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। पूरी रोड भरी हुई दिख रही है और यहाँ पर कन्हैया लाल की हत्याकांड को लेकर जो तमाम लोग गुस्से में है, लोग अपना रोष जता रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है कुछ देर पहले शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली गेट से होता हुआ ये प्रदर्शन कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुका है और कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन इन लोगों की तरफ से सौंपा जा रहा है। इसके अलावा कल जो जगन्नाथ यात्रा निकाली जानी है उसको लेकर भी एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है और तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर हमें देख रहे हैं, जो कि कन्हैया लाल की हत्या को लेकर जो गुस्से में है, लोगों का कहना है कि जो अब तक हुई पुलिस की कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ जो दोषी है उनको पूरी सजा दी जाए, जो आरोपी है उनको फांसी की सजा दी जाए, उसके बाद ही तमाम लोगों को संतुष्टि हो गया। लोग इस वक्त यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं, कई लोग हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए हैं, कई संत समाज के लोग पहुंचे हैं, अलग अलग समाज के लोग पहुंचे हैं। पुलिस ने हालांकि पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हैं, पुलिस की तरफ से यहाँ पर हर तरफ बैरिकेड लगाकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि ये जो रैली है ये भी शांतिपूर्वक तरीके से कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर यहाँ पर लोग अपना ज्ञापन सौंप सके और उसके बाद ये रैली खत्म हो सके। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज उदयपुर में आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उनके आने की टाइमिंग को थोड़ा टाल दिया गया। पहले वो 11 बजे कन्हैया लाल के परिवार से मिलने पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी फिलहाल उस टाइमिंग को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। जब रैली खत्म होगी, रास्ते क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री गहलोत उदयपुर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी भी उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है और धारा 144 लगी हुई है। हालांकि ये रैली पुलिस की इजाजत के साथ हुई है, पुलिस ने बाकायदा स्कॉर्ट करते हुए इस रैली को टाउन हॉल से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकालने की परमिशन दी है। वहीं आपको बता दें कि इसके पास में ही वो दिल्ली गेट का इलाका है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सूरज पुल का वो पूरा इलाका है। तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट में जाएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद इन लोगों का कहना है कि जब तक पूरी तरह इंसाफ नहीं होगा तब तक ये लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ कोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, उदयपुर। रेडी तमाम लोग जो इस वक्त इस वक्त एक बार फिर से तस्वीरें आपको बता दें और ये जो संख्या आप सड़कों पर देख रहे हैं ये धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे वजह इतनी ही है। हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य लाइव जुड़ गए हैं। वजह बहुत ही स्पष्ट है, प्रशासनिक लापरवाही हुई पुलिस विभाग की, तो सबसे बड़ी लापरवाही मनीष, इसे रोका जा सकता था अगर कंप्लेंट को गंभीरता से लिया जाता, कन्हैया लाल की सुध नहीं ली गई और उसका अपना ही पड़ोसी कैसे उसके लिए घातक साबित हुआ, ये बात अब सबके सामने है। देखिए बिल्कुल सही समय पे अगर शायद पुलिस एक्शन लेती तो ये घटना नहीं होती, ये बात तो साफ है। हालांकि एक एएसआई को सस्पेंड करके एक भरपाई करने की प्रशासन पूरी बात कह रहा है, लेकिन ये शायद उससे वाकिफ नहीं है। जो भी बातें सामने आई है उससे ये तो साफ हो गया है कि पुलिस की लापरवाही बहुत बड़ी रही है। बहरहाल आप ये जो तस्वीरों में हजारों का जो हुजूम आप देख रहे हैं, पूरे उदयपुर का सर्व समाज है जो यहाँ पर कलेक्ट्री पे इकट्ठा हुआ है, टाउन हॉल से लगभग 1.5 किलोमीटर चल के यहाँ पर आया है और कलेक्ट्री को ज्ञापन देने के लिए आया है कि फिलहाल इंसान जो हमें पूरी तौर पे चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए, फांसी मिले, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। उन्होंने यही कहा है कि इतनी बड़ी लापरवाही कभी फिलहाल देखने को नहीं मिली है कि पिछले 10 दिन से पुलिस प्रशासन को यह चेताया जा रहा था कि इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं कि एक बड़ी घटना हो सकती है और तब भी केवल एक औपचारिक रूप से समझौता करने की कोशिश की गई, तो यह बहुत बड़ी लापरवाही और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। और अब चूंकि जो टेरर एंगल, टेरर मॉड्यूल जो सामने आए हैं वो वाकई में डरावने वाला है, जो तमाम खुलासे हो रहे हैं वो बड़े बड़े, उससे कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके की जड़ें जमाने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था, उसके तार पाकिस्तान तक के जुड़े हुए हैं और उसी के खिलाफ यहां पर अब आक्रोश है। आक्रोश में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। 2-3 मांगे इनकी जरूर है कि एक तारीख को जो जगन्नाथ यात्रा इनकी होनी है उसकी परमिशन दी जाए। उसकी परमिशन फिलहाल प्रशासन नहीं दे रही थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है सिचुएशन। फिलहाल एक
की ये मांग है। दूसरी दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और सबसे ज्यादा इस पूरी भीड़ में आप देखेंगे कि युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है, युवा आक्रोश में है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बात जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए मनीष, की इतनी बड़ी भीड़ जरूर है लेकिन ना किसी ने आपा खोया है, ना कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहा है, और इसी तरीके की तस्वीर रहनी चाहिए, हम यही उम्मीद भी जता सकते हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं, इस पर भी थोड़ी जानकारी दे मनीष। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, डीजीपी एमएल लाठर, ये तीनों यहाँ पर आएंगे। जो परिवार है कन्हैया लाल का उससे बातचीत करेंगे, सांत्वना देंगे। और ये जो तय कार्यक्रम था उनका लगभग 10 से 11 बजे का, उस कार्यक्रम में बदलाव सिर्फ इसी वजह से हो गया है कि ये एक रैली जो है एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की वो यहाँ पर आई है, इस वजह से उनका कार्यक्रम टला है। और 12 से 12:30 का समय ये बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। बहरहाल लोग यही बार बार सवाल उठा रहे थे कि प्रशासन की तरफ से सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, हालांकि प्रभारी मंत्री रामलाल जाट जरूर आए थे लेकिन उनका भी जमकर विरोध। और फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो प्रदर्शन है, सवाल है युवाओं के पास कि आखिर वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई राजस्थान में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।